Hello everyone, welcome to Obipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. Post Independence की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है श्रीलंकन सिविल वॉर एंड LTTE. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये एथनिक प्रॉब्लम जो श्रीलंका में है इसका बेस क्या था, LTTE कैसे फॉर्म हुई, राजीव जयवर्धन अकॉर्ड क्या था 1987 का. ओके फ्रेंड्स, आइए इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमें श्रीलंका के एथनिक ग्रुप्स को समझना होगा. ओके, श्रीलंका में सिंहलीज टोटल पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज है अबाउट 74%. ओके, ये जो ग्रुप है एथनिक ग्रुप ये बुद्धिज्म को मानता है एंड सिन्हाला या सिन्हली लैंग्वेज को यूज करता है. नेक्स्ट, श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल इनका शेयर है टोटल पॉपुलेशन में अबाउट 11.2%. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन तमिल. तो इंडियन तमिल इनका शेयर है अबाउट 4.2%. ओके, तो 4.2%. एंड नेक्स्ट मूस, ये मुस्लिम्स बोला जाता है इनको, मूर्स को, इनका शेयर है 9.2%. ओके, अब श्रीलंकन तमिल ये एंशियंट टाइम से ये माना जाता है कि इंडिया से उन्होंने माइग्रेट किया था. ओके, इंडियन तमिल ये जो ग्रुप है इसको ब्रिटिशर्स प्लांटेशन जो बागान थे वहां पर, फॉर एग्जांपल टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, उसमें वर्क कराने के लिए इंडिया से लेकर गए थे, हमारे जो सदर्न एरियाज हैं इंडिया के, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु केरला. मूस ये माना जाता है ये बंदे अरब ट्रेडर्स जो थे उनके डिसेंडेंट्स हैं और ये इस श्रीलंका में बस गए थे. ओके, तो इनका रिलीजन है ये इस्लाम को मानते हैं, इंडियन तमिल श्रीलंकन तमिल हिंदुइज्म को एंड सिंहलीज बुद्धिज्म को. ओके फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं क्या हुआ. 1815 में श्रीलंका ब्रिटेन की कॉलोनी बनता है. ओके, तो 1815 में श्रीलंका बनता है ब्रिटेन की कॉलोनी. इसके बाद ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका में इन्वेस्ट किया पैसा और उन्होंने जो पैसा लगाया हमने डिस्कस भी किया था अभी, वो लगाया उन्होंने टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन एंड रबर प्लांटेशन. ये जो बागान थे इनमें वर्क करने के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया से बंदों को लेकर जाते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडियन तमिल. ये बंदे इधर जाते हैं प्लांटेशन जो बागान थे वहां पर वर्क करते हैं. ओके, इनके नंबर वहां पर बढ़ने लगे और जो वहां पर मेजोरिटी है उनको पसंद नहीं करती है, ये प्रॉब्लम चल रही थी. सेकेंड थिंग, आपको बताया कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंडिया में भी किया था और श्रीलंका में भी करते हैं. तो वहां पर ये जो एथनिक ग्रुप से अलग अलग वहां पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं ब्रिटिशर्स, तमिल्स को सपोर्ट करते हैं, इंडियन तमिल्स को सपोर्ट किया गया, ये प्रॉब्लम चल रही थी. जो मेजोरिटी है इसको हम सिंहली बोलते हैं, ये बंदे हैप्पी नहीं थे. 1948 ब्रिटिशर्स श्रीलंका को छोड़ देते हैं, उसको सेल्फ रूल प्रोवाइड कर दिया गया, प्रॉब्लम यहां से अब क्रिएट होती है. ओके, तो ये बैकग्राउंड आपने समझा, अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी. जब ये सेल्फ रूल प्रोवाइड कर दिया गया देन जो सिंहली मेजोरिटी है वो अपनी नेशनलिज्म को, जिसको हम रेडिकल नेशनलिज्म बोल सकते हैं, वो अब यहां पर दिखाएंगे अपनी नेशनलिज्म. ओके, कुछ लॉ पास किए गए. फर्स्ट 1948 में एक लॉ पास किया गया जिसको हम बोलते हैं सीलोन, श्रीलंका को पहले सीलोन बोलते थे, सीलोन सिटीजनशिप एक्ट. ये एक्ट जो पास किया गया था इफेक्टिवली अबाउट 7 लाख इंडियन तमिल्स से सिटीजनशिप छीन लेता है. ओके, ये बंदे स्टेट लेस हो जाते हैं अबाउट 7 लाख. नेक्स्ट एक्ट पास किया गया इनको वोटिंग राइट, जो इंडियन तमिल्स उनसे वोटिंग राइट ले लिया गया. ओके, 1956 वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1956 में एक एक्ट फिर से पास होता है, इस एक्ट का नाम था सिन्हाला ओनली. ओके, सिन्हाला ओनली एक्ट, इसका मतलब था जो सिन्हाला लैंग्वेज है, सिन्हली लैंग्वेज है,
केवल वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। तो इंग्लिश जो थी उसको रिप्लेस कर देती है सिंहली सिन्हाला, इसको दोनों आप वर्ड यूज कर सकते हैं। अब जो बंदे सिन्हाला में फ्लुएंट थे ओके, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हायर जो पोस्ट है उनको वो एक्वायर कर रहे हैं। तो अब चेंज हो रही थी चीजें। जो बंदे तमिल बोल रहे थे तमिल लैंग्वेज को, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा प्रोवाइड करता हूं, 1956 में सीलोन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तमिल्स का परसेंटेज था 30%, बट 1970 तक आते आते ये परसेंटेज कम हो गया और ये रह गया ओनली 5%। तो ये समझ सकते हैं आप डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ओके। और तमिल्स के नंबर जो है वो भी आपको याद रखने हैं, तमिल जो रहते हैं तो मेन उनका कॉन्सेंट्रेशन है ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इसको हम जाफना बोलते हैं, नॉर्थ श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका, बट मेन जाफना वाला पार्ट ओके। तो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, बहुत सारे एक्ट पास किए गए हैं और डिस्क्रिमिनेशन तमिल्स के अंदर बहुत ज्यादा ये होने लगा था। एथनिक टेंशन चल रही थी बट अभी तक ऐसा कोई बहुत ज्यादा वायलेंस नहीं हुआ है ओके। बट डिस्क्रिमिनेशन जब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, देन यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं श्रीलंका में, और ये ऑर्गेनाइजेशंस तमिल ईलम की डिमांड करती हैं। ईलम ये वर्ड आपको समझना होगा, बार बार यूज होता है ईलम, इसका मतलब तमिल कंट्री। तो एक तमिल ईलम की डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इसका नाम था टेलो, तमिल ईलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी टाइप से एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इसका नाम था PLOT ओके, ये भी तमिल कंट्री की डिमांड कर रही है। इसी टाइम पर 1976 अब बनती है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ठीक है। तो यहां पर एक अलग कंट्री बनाना चाह रहे हैं, ऑटोनोमी की डिमांड कर रहे हैं, एक अलग कंट्री इनको चाहिए। तो LTTE बन जाती है और इसके फाउंडर था वेलुपिल्लई प्रभाकरन। धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन थी LTTE ये सबसे पावरफुल यहां पर बन जाती है श्रीलंका में, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं ठीक है तो ये डाउन जा रही हैं और इसकी पावर बढ़ रही है। बिकॉज LTTE ने क्या किया, PLOT टेलो इनके जो लीडर्स हैं इनको असैसिनेट करती है। तो चीजें आगे चल रही थी, LTTE की पावर बढ़ रही थी, और LTTE जो नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है जहां पर तमिल मेजोरिटी में है, वहां पर ये अलग एक स्टेट की एक कंट्री की डिमांड कर रही है ओके। नेक्स्ट क्या होता है इसको समझिए, 1983 में एक इंसिडेंट हुआ, 1983 में तमिल टाइगर्स 13 सोल्जर्स को मार देते हैं, श्रीलंकन आर्मी के 13 सोल्जर्स को मार दिया गया। इसके बाद अब बैकलैश होता है और इसमें जो तमिल सिविलियंस उनको टारगेट किया गया, जो सिन्हारा जो मेजोरिटी है वो तमिल सिविलियंस को टारगेट करती है, राइड्स होते हैं इसमें बहुत सारे तमिल सिविलियंस मारे जाते हैं ओके। सेम टाइम पर श्रीलंकन आर्मी अब एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, और ये ऑपरेशन था LTTE के अगेंस्ट। LTTE का मेन बेस है जाफना ओके। तो फ्रेंड्स वहां पर अब टारगेट किया गया जाफना को, श्रीलंकन आर्मी ने इसको एरिया को घेर लिया था ओके। इसी टाइम पर जो LTTE है ठीक है, इसने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि फर्स्ट ईलम वॉर हो रही है। तो ये फर्स्ट ईलम वॉर चलती है 1983 से लेकर 1987 तक। तो यहां पर लड़ाई चल रही है, पर श्रीलंकन आर्मी क्या करती है, जाफना को घेर लेती है, और अब प्रॉब्लम आती है सिविलियन क्राइसिस ओके। पूरी तरह से घेर लिया गया था, सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी जाफना एरिया में, जो सिविलियंस रहते हैं वो बहुत प्रॉब्लम में थे, और दोनों तरफ से सिविलियंस के अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही थी। LTTE टारगेट कर रही थी सिंहली पॉपुलेशन को अगर वहां पर वो रहते हैं, और दूसरी तरफ जो श्रीलंकन आर्मी थी वो टारगेट कर रही थी तमिल सिविलियंस को। अब माइग्रेशन कहां होगा, तो माइग्रेशन होता है, और अब याद रखिए जाफना से जो बंदे हैं तमिल्स वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स इंडिया, तमिलनाडु। इंडिया में जो तमिलनाडु जो स्टेट है आप समझ सकते हैं उनका सपोर्ट किसके साथ, उनका सपोर्ट है तमिल्स के साथ ओके। ये पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में कि जो तमिलनाडु है वो तमिल्स को सपोर्ट करता है, दैट्स वाई तमिलनाडु का प्रेशर है सेंटर के ऊपर कि आप ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें तमिल्स को सपोर्ट करिए। तो इस सेंटर के ऊपर प्रेशर है ओके। माइग्रेशन हो रहा था, दूसरी तरफ यहां पर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं तमिल्स के अगेंस्ट, और इस एरिया को घेर लिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया
कि वो यहाँ पर एड भेजेगी, ठीक है, कुछ चीजों को भेजना था, ह्यूमैनिटेरियन एड हमें भेजनी थी। अबाउट 50 टन एड हम भेजना चाह रहे थे, हमने एक बोट में इसको भेजा, बट श्रीलंकन नेवी ने हमारी बोट को इंटरसेप्ट कर लिया और उसको रोक दिया गया। इसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो सप्लाई है उसको एयर ड्रॉप किया जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पुमालई। ओके, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जून 1987, ऑपरेशन पुमालई। इस ऑपरेशन पुमालई के अंडर में हमने अबाउट 15 टन ऑफ जो सप्लाई थी कमोडिटीज की वो हमने भेजी जाफना। इसी टाइम पर हमने श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी क्लियर कर दिया था कि अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी देन हम मिलिटेरिली भी इंटरवीन कर सकते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट अब बैकफुट पर थी। श्रीलंका का प्रेसिडेंट जयवर्धने वो टेबल पर आता है और राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, इसको बोलते हैं राजीव जयवर्धने अकॉर्ड। ये अकॉर्ड साइन होता है जुलाई 1987। क्या था इस अकॉर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इस अकॉर्ड के अंडर में श्रीलंकन गवर्नमेंट या जयवर्धने ये एक्सेप्ट करता है कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज है उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनोमी दी जाएगी। ओके, लिट एलटीटी जिसको लिट्टी भी बोलते हैं, एलटीटी को डिसार्म किया जाएगा और डिसार्म करने के लिए आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ये असिस्ट करेगी श्रीलंकन आर्मी को। ओके फ्रेंड्स, लिट्टे इस अकॉर्ड का पार्ट नहीं था बट लिट्टे ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ये अकॉर्ड साइन हुआ और उसके बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट अब उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 13th अमेंडमेंट लाती है और उसमें ऑटोनोमी की बात करी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो सिंहली पॉपुलेशन थी वो इस अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी बिकॉज उसको लगता था इस मेजोरिटी को कि इस अकॉर्ड में तमिल्स को ज्यादा ऑटोनोमी दी गई, उनको बहुत ज्यादा कंसेशन दिए गए। ओके, तो ये लगता है मेजोरिटी को। बाद में क्या होता है, लिट्टे एलटीटी इस अकॉर्ड को मानने से मना कर देता है। ओके, बट श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है और हमारी आईपीकेएफ अब जाती है श्रीलंका। अबाउट 1 लाख सोल्जर्स इसमें थे आईपीकेएफ में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। श्रीलंका ये पहुंचते हैं और इनको डिसार्म करना था लिट्टे को, बट यहां पर तो ये लड़ाई में उलझ जाते हैं, तो यहां पर अब फाइट चल रही है बिटवीन आईपीकेएफ एंड एलटीटी। ओके, तो ब्लंडर हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसको समझिए आप, इसको डिसार्म करने जाना था बट यहां पर तो लड़ाई में उलझ जाते हैं। हमारी फोर्सेस को श्रीलंका के बारे में, उसके ज्योग्राफी के बारे में आइडिया नहीं है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी हमारी फोर्सेस की हो रही है। सेम टाइम पर एलटीटी जो था वो अब सेंटर के अंगेंस्ट हो रहा था और उसको टारगेट करना था राजीव गांधी को। ओके, एलटीटी और आईपीकेएफ में लड़ाई चलती रहती है। श्रीलंका में अब प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है और नया प्रेसिडेंट आता है प्रेमादासा, और प्रेमादासा इंडियन गवर्नमेंट से बोलता है कि आप अपनी आईपीकेएफ को वापस कर लीजिए। हमने अपनी आईपीकेएफ को वापस किया बिकॉज राजीव गांधी भी यहां पर हट चुके थे, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो हमने आईपीकेएफ को वापस बुलाया। हमारी कैजुअलिटीज बहुत हुई थी। लिट्टे को अब टारगेट करना था राजीव गांधी को। ओके, राजीव गांधी इलेक्शन रैली थी उनकी और वो जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में उनको टारगेट किया गया और लिट्टे की मेंबर है इनका, इनको हम धनु भी बोलते हैं, धनु या थनमोजी, इसका नाम है लेडी का थनमोजी राजरत्नम। थनमोजी राजरत्नम राजीव गांधी को एक गार्लैंड फूलों का हार पहनाती हैं और उनके जो है एक बॉम्ब बना हुआ था, ठीक है, वेस्ट पर, उन्होंने उसमें बटन दबाया और यहां पर एक ब्लास्ट होता है, इसमें थनमोजी, इसको धनु भी बोलते हैं, ये मारे जाते हैं, राजीव गांधी मारे जाते हैं और आसपास जो खड़े हुए थे अबाउट 14 बंदे और मारे जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया गया और उनकी डेथ हो जाती है। एक बहुत बड़ा लीडर हमने खो दिया था। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।